बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि हर इंसान के अहलो अयाल और मालो जान के बारे में कम हो जाने या बढ़ जाने का जो फैसला अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा हुआ है वो आसमान से उतरता है। तुम भी एक दिन कब्रिस्तान में अकेले रहोगे, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम्हें जलालो दबदबा वाले बादशाह के सामने अंदर की सारी बातें जाहिर करने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। हर इंसान को अपने किए का बदला मिलेगा। बुरे काम करने वालों को अल्लाह ताला बुरा बदला और अच्छे काम करने वालों को अच्छा बदला देगा। कब्रों की जगह आबादी के करीब है लेकिन उनमें रहने वाले बहुत दूर चले जाने वाले मुसाफिर हैं। दुनिया वाले खुद दुनिया के लिए निशाना है, इन पर दुनिया अपने तीर चलाती है। हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता लगा रखा है जो उसे महशर की तरफ हांक रहा है। हर इंसान के साथ एक फरिश्ता है जो उसके खिलाफ उसके बुरे आमाल की गवाही दे रहा है। ख्वाहिशात के टुकड़े कर देने और लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज यानी मौत से पहले पहले नेक अमल कर लो, वाज़ो नसीहत की बातों से नफा हासिल कर लो। जहन्नम की बेड़ियां कभी तोड़ी नहीं जाएंगी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से उस आदमी की तरफ दौड़ो जिसने दब कर आजजी इख्तियार कर ली। हल्के फुल्के रहो यानी गुनाह ना करो, अगलों से जा मिलोगे क्योंकि अगले लोग पिछलों का इंतजार कर रहे हैं। ऐ बनी आदम, तेरा चेहरा आबे मुंजमिद के सवाल उसको टपकाता है, बस देख कि उसको किसके पास टपकाना है। एक चीज तुम्हारे पीछे लगी हुई है जो बहुत तेज है और वो है कब्र। कब्र के अंधेरे और उसकी वहशत से हमेशा बचते रहो। बुखील का साथ देने से बचो क्योंकि बुखील दोस्त तुमसे उन चीजों को छुड़ा देगा जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत होगी। सुनो, दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से ज्यादा राह हासिल करो ताकि कल तुम उससे अपने आप को बचा सको। अल्लाह की कसम, जिस कौम पर उसके घर में आकर हमला कर दिया जाए वो जलीलो रुस्वा हो जाती है। अगर आप धूप में ज्यादा बैठते हैं तो आपका रंग कभी खराब नहीं होगा। अगर आप रोटी के बाद पानी पीते हैं तो मोटापा जल्द आ जाएगा। अगर आप नहाते वक्त तेल लगाते हैं तो बदन की ताकत कभी कम नहीं होगी। अगर आप खाने के बाद सोते हैं तो चर्बी बढ़ने लगेगी। जिसने अपनी मौत के आने से पहले उम्मीदों बेम के अयाम में काम किया उसे फायदा हुआ, मौत भी उसे नुकसान ना देगी। जिसने अपनी मौत से पहले उम्मीदों बेम के दोनों में कोताही की उसका अमल बर्बाद हुआ और मौत भी उसे नुकसान पहुंचाएगी। खबरदार, रगबत के दिनों में तुम इस तरह काम करो जिस तरह खौफ के दिनों में करते हो। खबरदार, मैं नहीं समझता कि जन्नत का तलबगार लंबी नींद सो जाएगा।